100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और आपके साथ मैं हूं नंदिनी पाठक। कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मानना है कि सिर्फ लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है। कोरोना से निपटने के लिए कांग्रेस नेता ने टेस्टिंग क्षमता बढ़ाए जाने का सुझाव दिया है। इस मौके पर राहुल गांधी ने सियासी सवालों को दरकिनार करते हुए कहा कि ये समय मोदी से लड़ने का नहीं है, ये समय कोरोना से लड़ने का है। फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट ए लॉकडाउन इज लाइक ए पॉज बटन। ए लॉकडाउन इज इन नो वे ए सोल्यूशन टू द कोविड वायरस। इट इज एज इफ यू हिट पॉज एंड स्टॉप द वायरस इन इट्स ट्रैक्स अंटिल द लॉकडाउन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट के दौर में राज्यों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। राहुल गांधी का मानना है कि इस समय राज्यों को अधिक ताकतवर बनाने की जरूरत है। When we come out of the lockdown, the virus is going to start its work again. So it is very important that we have a strategy to come out of the lockdown. Now, what are the things that need to be put in place? The lockdown allows you the time and space to put in medical resources. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्यों को दिए जाने वाले फंड पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी का मानना है कि सरकार को न्याय योजना को लागू करना चाहिए। सरकार भले ही उस योजना का नाम बदल सकती है। To ramp up your testing ability, to prepare your hospitals, to get ventilators, to do the create the type of architecture that is required to fight the virus when it picks up again. So there is one misconception that I would like to clear up. In no way does a lockdown defeat the virus. It stops the virus for some time. Rahul Gandhi ki is baar ki speech rajneetik rang se thodi bachti hui nazar aayi. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस बार सवालों के कटघरे में ना खड़ा करते हुए सरकार को कोरोना से लड़ने और लॉकडाउन के बाद स्थिति को संभालने के सुझाव पर ज्यादा जोर दिया। फिलहाल हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप भी कोरोना से इस जंग में भारत और भारत सरकार का साथ दें, ताकि कोरोना से सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा देश जीते।